लीजा ने क्यों मना किया चाय बनाने से? द शौकीन्स की हुई स्क्रीनिंग, रंग रसिया के प्रेमियर का रेड कार्पेट, सोनू सूद का लेटेस्ट कवर पेज, स्पॉटेड सुजैन एट एन इनॉग्रेशन, इस हफ्ते की बॉक्स ऑफिस रिलीजेस, कैट्स स्पेशल विजिट, साजिद एंड सैफ पैच अप, सोनम ने किया किसे रिप्लेस, विल आमिर खान टेक ओवर, सलमान करीना की बजरंगी भाईजान, पीकू लैंड में इरफान ने ली एंट्री, जैकलिन का लुक हुआ रिवील, शेखर कपूर बनाएंगे टाइगर्स कर्स, सोनम बनी SRK की हीरोइन, रणवीर ने किया सलमान को रिप्लेस, क्या अंदाज अपना अपना की बनेगी सीक्वेल, तेवर फिल्म में सॉन्ग कंट्रोवर्सी, राणा ने किया ऑप्ट आउट। लीजा हेडन आई तो थी अपनी फिल्म द शौकीन्स को प्रमोट करने के लिए, लेकिन जिस टी ब्रांड से जुड़कर लीजा को प्रमोशन करना था उसी से दूरी बनाती दिखी लीजा। I like chai. I'm a chai drinker. Proper masala chai. नजारा है द शौकीन्स की स्क्रीनिंग का, जहां फिल्म की पूरी स्टार कास्ट अक्षय कुमार, लीजा हेडन, अनुपम खेर, अनु कपूर और पीयूष मिश्रा के अलावा डायरेक्टर अभिषेक शर्मा भी मौजूद थे। ऑल्सो सीन आर अली जफर एंड साजिद खान। डायरेक्टर केतन मेहता की फिल्म रंग रसिया के प्रीमियर के रेड कार्पेट को ग्रीस किया उनके कई बीटाउन फ्रेंड्स इंक्लूडिंग मनीषा कोइराला, गोविंद नेहलानी, सुधीर मिश्रा एंड अ फ्यू मोर। सोनू सूद ने रिसेंटली अनवील किया अपना लेटेस्ट कवर पेज और इस खुशी को एंजॉय करने के साथ साथ सोनू ने अपनी लास्ट रिलीज हैप्पी न्यू ईयर की भी बातें की। देर है दुरुस्त है, या हैप्पी न्यू ईयर हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आई वुड से। विद हैप्पी न्यू ईयर थिंग्स हैव चेंज्ड, द काइंड ऑफ रोल्स आई एम गेटिंग नाउ, द काइंड ऑफ पीपल हु हैव अप्रोच्ड मी फॉर देयर फिल्म्स इज डिफरेंट। ऋतिक रोशन से अलग होने के बाद सुजैन खान को हमने रिसेंटली स्पॉट किया एक रियल्टी ब्रांड के इनॉग्रेशन इवेंट पर, जहां सुजैन व्हाइट पैंट विद अ व्हाइट टॉप एंड ब्लैक ब्लेजर में लग रही थी क्वाइट इम्प्रेसिव। माइंड ब्लोइंग, क्या शॉट दिया यार। आज रिलीज हो गई है क्वर्की फिल्म द शौकीन्स, वेयर द डैशिंग अक्षय कुमार एंड द ब्यूटीफुल लीजा हेडन आर मेकिंग अ स्टनिंग कपल। What is most interesting about this film is Lisa's interaction with the three actors Anupam Kher, Anu Kapoor and Piyush Mishra. Aana wale mamle mein tu contender hai nahi. Kyun nahi hu? Main bhi mard hu, ladki hu, main bhi gira hua hu tum logon ki tarah. Is film ki story kafi interesting hai and the songs have won everyone's heart. He's a rock star. But Padganj ke bhature jaisi shakal, a rock star. Mr. Ravi Verma, आप पर अश्लीलता और लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाने का इल्जाम है। क्या आपको ये गुनाह कबूल है? जी नहीं योर ऑनर। इसके साथ साथ रिलीज हो गई है एक और मच अवेटेड फिल्म रंग रसिया विद स्टार्स रणदीप हुड्डा एंड नंदना सेन, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मच अक्लेम्ड डायरेक्टर केतन मेहता ने। क्या तुम सिर्फ एक चित्रकार हो और मैं एक चीज जिसका तुम चित्र बनाना चाहते हो? दिस फिल्म इज अ बायोपिक सेट इन द ओल्डन टाइम्स, जहां रणदीप फेमस पेंटर राजा रवि वर्मा का रोल निभा रहे हैं। रंग रसिया। द फिल्म्स ट्रेलर एंड सॉन्ग्स हैव क्रिएटेड क्वाइट अ बज़, और लोगों के दिलों में इस फिल्म को लेकर काफी इंटरेस्ट पैदा हुई है। देवताओं की तस्वीर बनाने की अनुमति आपको किसने दी? स्वयं देवता हूँ। कटरीना कैफ और रणबीर कपूर हाल ही में थाईलैंड से वापस लौटे आफ्टर रैपिंग अप देयर जग्गा जासूस शूट्स की ट्यूल देयर, और अपेरेंटली मुंबई पहुंचते ही कैट रणबीर के पापा ऋषि कपूर से मिलने गए, हु हैज बीन अनवेल फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ।
Sajid Khan and Saif Ali Khan have not been on the best of terms since their Humshakals debacle. But recently, Saif went to meet Sajid and apparently apologized to him. And now they have buried the hatchet. Is patch-up ke baare mein baate karte hue Saif kehte hain. It was emotional. I really do love Sajid like a brother. I missed Sajid in my life. I had been telling Kareena about it. She too was happy when I made up with him. She knew it was important for me and I felt that I had done the right thing. Rekha was the face of an international chocolate brand, which was also her first brand endorsement. Lekin ab is brand ne Sonam Kapoor ko sign on kar liya hai, who will replace the veteran actress as the brand wanted a change of image. गलतियां सुधारने की आदत थी उसे. हेडलाइट सी आंखें थी और फ्लाइंग सॉसर जैसे कान. उसके सतरंगी कपड़े और उसका अतरंगी डांस. Rumors suggest that Aamir Khan will take over PK's post-production and once Aamir starts giving his input for the film, there are chances that Sushant Singh Rajput and Anushka Sharma's role may get reduced. Zahir hai Anushka aur Sushant Aamir ke against kuch bhi nahi keh payenge. And the only person who can stand and face Aamir, Sanjay Dutt, is not coming out from behind the bars anytime soon. Are pehchane nahi ka humka? Hum PK hoon PK. सलमान खान और करीना कपूर इन दिनों दिल्ली में कबीर खान की फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग कर रहे हैं. द फिल्म वाज बीइंग शॉट नियर जमा मस्जिद यस्टरडे एंड टुडे वी हैव पिक्चर्स ऑफ द स्टार्स स्नैप्ड नियर द रेड फोर्ट. टेक अ लुक. के सेट से ये है इरफान खान, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और डायरेक्टर सुजीत सरकार का सेल्फी, जिसकी शूटिंग इन दिनों कोलकाता में चल रही है. आइए आपको दिखाते हैं इस फादर डॉटर रिलेशनशिप पर बेस्ड फिल्म के ऑन लोकेशन पिक्चर्स. Sneak peek from definition of here. Can you guess my role in the movie? Jacqueline Fernandez ne reveal kiya hai unki upcoming film definition of here mein apna look. And we must say, fans ke beech apni film ka buzz create karne ke liye, Jackie ka ye tarika hai waqai lajawab. Director Shekhar Kapoor has been roped in to direct an adventure saga titled Tiger's Curse. Tiger's Curse has been adapted by Julie Fleck, creator of The Vampire Diaries and The Originals. Ab dekhna ye hai ki kya Shekhar is project ko successful bana pate hain ya nahi. खबरों की माने तो सोनम कपूर, जो कि इन दिनों सलमान खान के साथ फिल्म प्रेम रतन धन पायो की शूटिंग कर रही हैं, हैज बीन रोप्ड इन ऑपोजिट शाहरुख खान फॉर हिज अपकमिंग फिल्म रईस. लुक्स लाइक सोनम इज रबिंग शोल्डर्स विद द बिग प्लेयर्स नाउ. हमने आपको बताया था कि रांझना फेम डायरेक्टर आनंद एल राय उनकी अगली फिल्म में सलमान खान को कास्ट करना चाहते हैं एंड इवन सलमान रिपोर्टेडली वांटेड टू डू दिस फिल्म बट कुडंट गेट डेट्स फॉर द सेम. सुनने में आया है कि इस फिल्म के लिए अब रणवीर सिंह को रोप इन कर लिया गया है एंड ही अपेरेंटली लव्ड द स्क्रिप्ट सो मच दैट ही गेव हिज कंसेंट इमीडिएटली. आमिर खान और सलमान खान स्टारर फिल्म अंदाज अपना अपना ने रिलीज के बाद 20 इयर्स कंप्लीट कर ली हैं एंड नाउ डायरेक्टर राजकुमार संतोषी इज प्लानिंग अ सीक्वल फॉर दिस फिल्म. संतोषी कहते हैं कि वो सिर्फ पब्लिक डिमांड की वजह से इस सीक्वल की प्लानिंग कर रहे हैं एंड ही एड्स, आई डोंट बिलीव इन क्रिएटिंग अ फ्रेंचाइज बाय डूइंग सीक्वल्स और बिल्डिंग माय ओन ब्रांड बट द डिमांड फॉर अ सीक्वल टू अंदाज अपना अपना इज अनबिलीवेबल. इफ आई डोंट डू इट समवन एल्स विल, दैट आई वोंट अलाउ. मुंबई की एक इंग्लिश डेली की माने तो फिल्म तेवर के एक गाने को लेकर प्रोड्यूसर बोनी कपूर और डायरेक्टर अमित शर्मा में अनबन हो गई अबाउट हु विल सिंग द सॉन्ग. अल्टीमेटली बोथ ऑफ देयर चॉइसेस, म्यूजिक कंपोजर वाजिद एंड सिंगर मिका, रिकॉर्डेड द सॉन्ग. अब अपेरेंटली वाजिद्स वर्जन फिल्म में रिटेन की गई है एंड द वर्जन सॉन्ग बाय मिका विल बी प्लेड अलॉन्ग विद द क्रेडिट्स. Yeah.
यहाँ पे शौकीन फिल्म प्रमोशन के लिए आई हूँ. ओके ठीक है. Okay. ये शौकीन शॉप है ठीक है. आप सबके पास 600 पॉइंट्स है. चलो शॉपिंग करना शुरू करें. यहाँ आप आज अपने शौक की लग्जरी बजट शॉपिंग करेंगे. मेरे फिल्म में मेरा कैरेक्टर रहाना पसीन अक्षय कुमार की बड़ी फैन है. तो लाइक इन माई फिल्म यू हैव टू शो मी हाउ टू इम्प्रेस वन ऑफ दीज बॉयज. कॉफी कॉफी चाहिए या नहीं? आई वांट टू सी. यू वांट टू सी एवरीथिंग. वांडी चलो रुबेन का मुंह देखो. उफ ओके ये क्या है ये क्या है? एक्सक्यूज मी हम नहीं सुन सकते हैं. उपेन मेरे साथ कॉफी के लिए जाएगा. हाँ मैं जाऊंगा. कहाँ लेके जाएंगे? नहीं शॉकिंग स्टोर में जाते हैं. शॉकिंग स्टोर में जाएंगे. आ जाओ. ओके मैं हाँ उपेन हाँ दान कॉफी तो बहुत अच्छी थी लेकिन आप कॉफी से भी बहुत अच्छे हो. कॉफी से बहुत अच्छा हूँ. चलो इसमें आपको किस देता हूँ. Not so close to my face. Best ego. Okay, itni asaan coffee nahi deti hu. Sonali, you have to do the same. Come on. Chalo, Sonali, utho. Yeah. Come on, stick your hair. Aram se aage na nikal jana. Really close. Yeah. Oh, no, on the cheek. Wow. Kyunki tum hi ho. Kyunki tum hi ho. Kyunki tum hi ho. अब तुम ही हो जिंदगी. अब तुम ही हो चैन मेरी आशिकी. मेरा दर्द भी मेरी आशिकी. Upen looks like he enjoys that. Akshay Kumar अपने सारे फिल्म्स में स्टंट्स करते हैं. बिल्कुल करते हैं. और मुझे ऐसे ही लड़के पसंद हैं. तो गौतम आप आर्या को इस टाइल ब्रेकिंग कंपटीशन में हरा देते हैं. टाइल ब्रेकिंग तो मैं आपको दो पैकेट्स 200 रुपया में दूंगी. ठीक है 200 रुपया में दोगे. ओके गो सर. I would say one thing. I still don't give a damn about these packets. But your smile, it's lovely. Thank you. You're a gorgeous girl. Yeah? All right. You still don't want to give me a damn? No. I'm very impressed too. Boy. Oh, boy. Yeah. Okay, you get 2 oats. I get 2 oats? You get 2 oats. And you get the Nutella. Whoa! Oh, really? एक चीज मुझे क्लियर करनी है. क्या ये पर्सनली मेरे लिए है या फिर घर के लिए? Is it for my house or is it for me? पूरे घर के लिए. Listen, I was talking about a smile. मैं आपकी smile की बात कर रहा था. मुझे लगा तब आपने मुझे gift में दिया ये. ये gift ही है. Gift है. ये भी gift है. Oh, you're welcome. Thank you. You're welcome. Many Anna. Ready? 1, 2. गल मिठी मिठी बोल दस कानों विच गोल बजने दे ताशे ढोल मस्ती में तू ही डोल बन दे नैना तू खोल चाहत के मोती रोल सोनी तैनू चांद की मैं चूड़ी पहरावां.
सभी घर वालों को बताना चाहते हैं कि दो दिन पहले कार्य के दौरान पुनीत और आर्या के बीच जो वाकया हुआ वो बेहद नाखुशगवार था, जिसके लिए कल पुनीत ने आप सभी घर वालों से माफी भी मांगी। लेकिन पूरे वाक्य पर एक बार फिर से नजर डालते हुए कि वो किन परिस्थितियों में हुआ और उसके पीछे पुनीत की नीयत क्या थी और उसके बाद उनका पश्चाताप देखते हुए बिग बॉस पुनीत को उनकी गलती के लिए प्रायश्चित करने का एक मौका देना चाहते हैं और पुनीत को इस शो में रहना चाहिए या नहीं इसका फैसला दर्शकों के हाथों में छोड़ते हैं। लेकिन शनिवार तक पुनीत इसी जेल में घर की सभी सुख सुविधाओं से वंचित होकर रहेंगे। बॉस, आप मुझे दंड दें, आप मुझे निष्कासित किया, आप मुझे यहाँ से तखलिया कर दीजिए, कृपया एक बार देख लीजिए मेरा जो मेरा दृष्टिकोण, तो आप देखें इंटेंट मेरा, देखिए मेरा इंटेंट मारने का नहीं था। हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर फेयरनेस कहाँ है मुझे ये जानना है। कोई किसी का बेटा नहीं है, कोई किसी की बेटी नहीं है। अभी मेरे से जो बात कर रहे हो, कट टू कट बात करो। बिग बॉस, आप मुझे कन्फेशन रूम में बुलाइए, मुझे आपसे बात करनी है। मैं बहुत तमीज से आपसे कह रहा हूँ, मुझे आपसे बात करनी है। कोई फायदा नहीं है, हम लोग आपकी बात सुनते हैं और हम आपको तभी बुलाते हैं जब हमको बुलाना होता है। मेरे को ये बताओ, उसने जाकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। किसने? आर्या ने। क्यों? तुमने ये बोला मेरे को सिर्फ लगी है और मेरे को बिग बॉस जो डिसीजन सुनाएंगे वो ठीक है। तो अब बिग बॉस ने अगर अपना डिसीजन सुनाया है ठीक है, तू क्यों बोल रहा है? मैंने बिग बॉस से क्या कहा? गैंड्रा ने बल का प्रयोग किया, किया। क्या वो डिस्क्वालीफाई हुई, वो निष्कासित हुई घर से? दूसरा, आर्य बब्बर कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करके यहाँ पर रोमांस की रणनीति से आए थे। बहुत बढ़िया। उसको डिस्क्वालिफिकेशन मिली नहीं, नहीं। उसको काल कोठरी मिली नहीं, नहीं मिली। चिल्लाते हुए स्टेश और उस गुस्से में आपके पास आया, क्यों? इंसाफ मांगने। मैंने आपके नियम का पालन किया। दिस इज नॉट फेयर। He is the culprit. क्या बोले इसको? देखिए इसको डिस्क्वालीफाई कर दो। इसको बता, जो आग लगाने की बात है कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को निकालो। अरे ने बोला मुझे इस बार मैंने बोला बल का प्रयोग हुआ है, वायलेंस हुआ है, जो जो उस वक्त मुझे लगा मैंने बोला। ये डबल ढुलकी जो है ना मेरे से आना नहीं, मेरे पास तेरे को ही बोल रहा हूँ। आओगे मर्द की तरह आओ, प्यार से बात करोगे प्यार मिलेगा, दूसरी बात करोगे उसी में जवाब मिलेगा। मेरे को क्या आप आती आत्मग्लानी जो मुझे है, मुझे है नहीं। आप आती आप आत्मग्लानी की अभी आप बात कर रहे हैं सर। I'm not talking नहीं, आपने मुझे बोला ना तेरे से बात कर रहा हूँ। बात अभी नहीं कर रहा। नहीं, आपने बोला तेरे से बात कर रहा हूँ, तुझे बातें नहीं कर रही। ये एटीट्यूड दिखा रहे हैं आप। जो है मुझे आत्मग्लानी दिखा रहे हैं मुझसे। मैं आप बड़े हैं, मैं तो कुछ कह भी नहीं रहा आपको। मैं तो कुछ कह भी नहीं रहा, डबल ढोलकी कह रहे हो, इतने आरोप लगा रहे हो। आपने काम किया उस वक्त जो हमारे इमोशन थे वो निकले हमारे। पीस तो है यार, लेकिन मैं इनको क्या कह रहा हूँ जो मुझे आके डबल ढोलकी, किस बुनियाद पे डबल ढोलकी कह रहे हैं? मेरा इमोशन था यार उस वक्त, मुझे लगा उस वक्त कि ऐसा हुआ है। हाँ तो मैंने सुना चुपचाप, लेकिन ये दोबारा इस आदमी को इन्होंने जो ओपन की जो की थी, जो एक्शन किया था, मैं खोल दूं ना आज। तेरे को मैंने कैसे बचाया मुझे पता है। मेरी बात सुनिए आप, बेटा अगर मैं वो खोल दूं ना, आप जो बड़े हैं तो बोल रहा हूँ, सुन ले मेरी बात। चाहते हैं कर सकते हैं, मैं वो नहीं करने वाला, उसके लिए नहीं करूंगा। मेरी बात प्यार से समझा। हम कहीं ना कहीं तेरे को बहुत अच्छे समझते हैं, पर तू अपनी खुद की क्या? मैं कह रहा हूं छोड़ो अभी, लेस लेस अभी हमको बात नहीं करनी कुछ भी। तेरे को अगर रियलाइज है तेरी आपके साथ कुछ पर्सनल चीज नहीं, आप जानते हो। ओके, क्यों? बिग बॉस के घर में है, उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि अगर हिंसा होती है तो इट्स नॉट अलाउड, और उन्होंने खुद देखकर पहले दिन बोला कि ये हिंसा है। डायंड्रा ने सोनाली पे बल का प्रयोग किया, वो इतनी मात्रा में किया कि इतनी मात्रा में किया कि इतनी मात्रा में किया, वो अलग है। तो क्या वो डिस्क्वालिफिकेशन की हकदार नहीं है? एक बार सर के साथ हुआ है,
ओके एक बार ऑलरेडी हुआ है उसको वार्निंग मिला है ये वो अभी और हुआ है जब तक किसी के खून ना निकले या गर्दन ना टूटे या हड्डी पसली ना बल का प्रयोग है यार बल के प्रयोग की एक सजा है उसका सजा सुनाई गई है वो आदमी जेल में बैठा हुआ है अब तुम क्या चाहते हो सबसे पहले उसके लिए इसका नाम नहीं लिया था नहीं आपने लिया था किसके लिए आर्या के लिए क्या स्टैंड लिया आपने नहीं लिया था क्या स्टैंड लिया आपने नहीं लिया था मैंने स्टैंड छोड़ दिया आप बकवास कर रहे हो बल का प्रयोग है आप बकवास आप आए हो आप मेरे साथ खड़े हुए आपने बोला मेरे साथ बोकर साथ खड़े आप आए मेरे साथ खड़े थे कोई नहीं आया था मैं अकेला था तू क्या बोल रहा है यार मेरे साथ यहां पर कौन गया मैं तू अंदर बिग बॉस के कमरे में गया कौन गया मैं अरे यार ये क्यों चिल्ला ब्लड मैं गया वहां पर करिश्मा ने बोला जिस तरीके से आप उस दिन सोनाली के साथ वो चिल्ला रही थी कोई और चीज के लिए मैंने तेरे को यहां पर बोला बिग बॉस जीत लेंगे अपना चिल्लाना चिल्लाना बिग बॉस आप सभी घर वालों को बताना चाहते हैं कि वक्त आ रहा है घर के लिए नए कैप्टन को चुनने का बिग बॉस चाहते हैं कि उपे अभी इसी वक्त किन्हीं दो ऐसे सदस्यों के नाम बताएं जो उनके हिसाब से घर का अगला कैप्टन बनने की योग्यता रखते हैं बिग बॉस में डायंजर और प्रीतम का नाम लेना चाहता हूं चूंकि उपेन ने डायंड्रा और प्रीतम का नाम घर के अगले कैप्टन के लिए प्रेषित किया है इसलिए कुछ ही देर में डायंड्रा और प्रीतम के बीच चुनाव होगा बिग बॉस आप सभी को बताना चाहते हैं कि उपेन का कैप्टन के रूप में कार्यकाल अब समाप्त होता है अब बारी है घर के नए कैप्टन के चुनाव की ये चुनाव उपेन द्वारा चुने हुए दोनों सदस्यों के बीच होगा ये चुनाव आप एक सीक्रेट बैलेट द्वारा करेंगे